मालूम होगा ग्रीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या आवश्यकता होगी। ये सब बातें उसमें रखी जाती है और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जनता से सुझाव मांगे जाते हैं और उसके बाद फाइनलाइजेशन होता है। लेकिन मामा जी की सरकार को फुर्सत मिले तो मामा जी की सरकार कमाई में लगी हुई थी। मास्टर प्लान क्या होता है, नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, जहां चाहो अगर नहीं काटो। चुने हुए उनके कुछ 20 लोग थे, उनके माध्यम से कमाई करो। 2005 में मास्टर प्लान नहीं आया, 2015 में 10 साल बाद फिर नहीं आया। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल। राजा भोज के द्वारा निर्मित बड़े तालाब का संरक्षण नहीं हो पाया, स्मार्ट सिटी के एक ऐसे आइडिया ने पेड़ों की हरियाली छीन ली। स्वयं लगता है मोदी जी के दिमाग में ये बात साफ नहीं थी कि आप ये स्मार्ट सिटी है क्या। बात यही है, भोपाल की संभावना या बात, आज बड़े बड़े मेट्रोज को छोड़कर डेवलपमेंट कहां हुआ है? बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर। लेकिन इन 15 सालों में हम लोग पिछड़ गए। इस शहर को ग्लोबल सिटी बनाया जा सकता है और ग्लोबल सिटी बनाने के लिए हमें यहां के ताल पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिकता की संभावना छाप दिखाई देती है। विकास कैसा हो, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, संभावनाएं क्या है इसमें, जैसा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में एक ही फर्क है, कांग्रेस लोगों से सुनती है, राय लेती है, मशवरा करती है और फिर उसके क्रियान्वयन में उनको भागीदार बनाती है, हिस्सेदार बनाती है, और भाजपा केवल सुनाती है मन की बात, जन की बात नहीं सुनती। चलिए इन सब बातों को लेकर हम यहां अपना विशेष डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद एक 15 से 20 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें की हाइलाइट्स है वो आपके हम सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद विस्तार से मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा, फिर प्रश्न लूंगा। लेकिन आज हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, आज केवल मैं बात करूंगा विशेष डॉक्यूमेंट की और कोई मैं सवाल नहीं लेना चाहूंगा। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको निराश करूंगा। धन्यवाद। सौभाग्य है कि हम
मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं मनोज सिंह जो है प्लानिंग है और काफी मीडिया में लिखते रहे हैं और उनके साथ प्लान है काफी बड़े यहाँ भाई प्रेजेंटेशन आपके लिए करें हमारा सौभाग्य है कि हमें एक विश्वी लीडर का मिल जाए हुए देखने मिल रहा है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अभी जो इसका डिटेल है वो आपसे साझा किया जाएगा, सारी चीज होगी फिर संक्षेप में स्लाइड्स को आपको बता देता हूँ। हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट डिजाइन किया गया है। भोपाल बहुत भाग्यशाली शहर है, इसको हम तीन बिंदुओं से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो भोपाल की कोई यूनिवर्सिटी की एक नहीं हो पाएगी, इसको बहुत सकारात्मक छवि हमने इस प्रकार पर ला पाए थे। तो सबसे पहले जो भोपाल है वो आप जानते हैं पाषाण काल से लेकर आज तक रहने योग्य सबसे उचित जगह है, जिसके प्रमाण कटका से लेकर चावलाबाड़ी तक चित्र के रूप में मिलते हैं। इसका मतलब है कि उस टाइम से मानव यहाँ पे निवास करता था। निश्चित रूप से संप्रदाय होने के कारण यह उपयुक्त जगह होगी निवास की। इसके बाद 1000 साल पहले राजा भोज ने इसको स्थापित के सिद्धांतों पर डिजाइन किया था। ये पहली प्लान थी 1000 साल पहले की, और जिसका उल्लेख सम्राजगण सूत्र था जो राजभोज की किताब है, उसके 10वें अध्याय में लिखा है। इसकी डिटेल आपको स्लाइड से मिल जाएंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण आज के संदर्भ में जो बिंदु है वो ये है कि भोपाल जो कि वास्तविक मध्य है हमारे देश का, उसे 500 किलोमीटर के दायरे में 23 से अधिक मिलियन प्लस पॉपुलेशन के शहर पाए जाते हैं। अधिकतर अर्बन पॉपुलेशन 500 किलोमीटर के दायरे में है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो सीएससी या लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं, जिस इन सब इंडस्ट्री और अदर डिस्ट्रिक एक्टिविटीज को आकर्षित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट का जो अगला पेज है, इसमें उन्होंने किस तरीके से शहर को भी बनाना चाहते हैं उसका उल्लेख किया है। डिटेल्स आपको इस पेज में मिल जाएगी। अभी पूरा प्रेजेंटेशन आपके साथ प्रिंट के रूप में साझा किया जाएगा। भोपाल से भोपाल के आसपास सैकड़ों की मात्रा में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिस कारण से हम देखते हैं कि टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत कम है। कोई टूरिस्ट सबकी डेवलप नहीं किया गया। इतनी बड़ी संभावना है, ब्राइट में है, टाइगर से इतने नजदीक है, या वेलनेस की इतनी संभावना, इतनी संभावना है, हवाई सेवाएं आप जानते हैं बहुत कम हमारे शहर में रही है, धीरे धीरे वो बढ़ी है और इनको और बढ़ाने के लिए बिजनेस होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक हवाई सेवाएं बढ़ाने के लिए जाता है, तो बिजनेस को बढ़ाने के सारे प्रयास किए जाएंगे। सबसे जो बढ़िया कंसेप्ट सर ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में दिया है वो ये है कि पूरे इस भोपाल राजधानी क्षेत्र को आसपास की जो आर्टरीज है, जो आसपास के बड़े शहर है उनसे जोड़ा जाएगा कॉरिडोर के रूप में, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे जिनमें विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। इन इंडस्ट्रीज की डिटेल आपको अगले सेक्शन में मिलेगी। लगभग आठ दिशाओं में कॉरिडोर जाते हैं जो इस डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। किसान हमारा
जो शहर है इसके आसपास काफी बड़ा ग्रामीण एरिया है पूरे लोकसभा क्षेत्र का, किसानों की जो स्थितियां सही है पिछले कई सालों में उसको देखते हुए सर का विजन है कि किसानों को सशक्त किया जाए, किसान सभी बनाई जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और उद्यानिकी के सेंटर्स को बहुत प्रमुखता से बढ़ावा दिया जाए जिससे किसानों की आय बढ़े और उन्हें आधुनिक खेती करने का मौका मिले, इससे उनका जीवन खुशहाल हो। शिक्षा के मामले में भी हमने देखा है कि गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है जिसके कारण हमारा युवा जो रोजगार के लिए बाहर जाता है उसको बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास करने का सबका विजन है और उसी से रोजगार उत्पन्न होंगे। इस पर काफी डिटेल क्वेश्चन सर ने बनाया है, इस पर जो प्रेजेंटेशन है इसके अलावा आपको डीडीएस सर आने वाले दिनों में हर बिंदु पे डिटेल्स आपको उपलब्ध होते जाएंगे। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान आज का फोकस विषय है पूरे विश्व में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी सब पे अनुसंधान हो रहा है, लेकिन भोपाल इन सबसे काफी उतरा हुआ है जबकि यहाँ पे यहाँ की आबो हवा देखते हुए काफी संभावनाएं हैं, इसको बढ़ाने का विजन है सरकार, साइंस सिटी बनाएंगे ऐसा सरकार कहना है। भोपाल सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बहुत समय समय से जाना जाता है लेकिन कलाकारों और कला को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमने पिछले दिनों दुष्यंत संग्रहालय के क्या हालात हुए सब लोगों से देखे हैं, कैसी स्थिति और कलाकारों या उससे संग्रहालय के नाम इसका एहतियात रखने के लिए कला को बचाने के लिए और कलाकारों को सहूलियत देने के लिए काफी विजन सब चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि तीसरे व्यक्तियों में 500 किलोमीटर के दायरे में लार्जेस्ट अर्बन फुटप्रिंट है भोपाल के, इसी रूप से ये भोपाल को मेगा लॉजिस्टिक सिटी बनाने के लिए प्रेरित करता है। सबका विजन है कि इसको लॉजिस्टिक सिटी बनाया जाएगा, फिर टेक्निकली नागपुर 0 किलोमीटर पे है लेकिन जो भारत के केंद्र है वो भोपाल के नजदीक है और सबसे ज्यादा लैंडमार्क एरिया भोपाल के चारों तरफ 500 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। तो अब चूंकि पूरे देश में कार्य एक समान हो गए तो लॉजिस्टिक्स भी क्रॉस सेलिंग की जा सकती है और जो सेंट्रल लॉजिस्टिक था तो वहां से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए भोपाल आदर्श है इसके लिए। उद्यमियों के हालात इसी से छिपे नहीं है इस प्रदेश में, उनको उनकी परेशानियां हैं, जो उद्योगों का सरलीकरण है जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, इको सिस्टम डेवलप हो, आईटी या आईटी पे आधारित सेवाएं हैं और सर्विस इंडस्ट्रीज में जिसमें ज्यादा आय मिलती है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा जो प्रदेश है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है जो नेशनल एवरेज इनकम है उससे भी कम पे है, तो निश्चित रूप से आय बढ़ना जरूरी। स्वास्थ्य को प्रथम प्राथमिकता देना सरकार का विजन है, इसके लिए 23 पर स्वास्थ्य अस्पताल डेवलप करने की योजना है। हम देखते हैं कि अच्छे इलाज के लिए अभी भी लोग इंदौर हैदराबाद प्रतिभाओं को सम्मान देने खेलकूद को बढ़ावा देने आती है, जानते हैं हमारे भोपाल में बहुत लंबे समय से भी खेल रहा है लेकिन आज का युवा मेरे ख्याल से बहुत कम आती खेलता है जानता है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। कई चैंपियनशिप जो सरकार चल रही है बंद कर देंगे, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, इसकी डिटेल आपको इसमें मिलेंगे। ट्रैफिक से हम और आप रोज जूझते हैं, योजनाकारों ने संभवतः उस समय नहीं सोचा होगा कि इतने महान सड़कों पर आने वाले समय में होंगे और लंबे समय तक विकास योजनाएं नहीं बनती है तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको सुखम बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
जैसे सर ने कहा कि इसको विश्वस्तरीय शहर बनाया जा सकता है, तो जो इसकी प्लानिंग पे काम होगा तो ये सब जो व्यवस्था है निश्चित रूप से समाप्त होगी। ऐसा सर कहीं है, गर्मियों का समय है, पानी एक प्रमुख अनिवार्य चीज है हमारे जीवन के लिए, और नर्मदा का पानी लाए जाने के बावजूद पूरे शहर में नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पानी का अभाव है। उसके लिए सबको साफ सबका बेहतर कल योजना पर काम किया जाएगा। पर्यावरण कहीं जो हमारे ऐसे नागरिक हैं जिनके दर्शक सर नहीं है उनके लिए मिशन नो होंगे तो उनसे किया गया है। सुरक्षा हम देखे हमने देखा है पिछले कई सालों में क्राइम नेचुरल क्राइम बढ़ता है हमारे शहरों का आसपास के जगहों का, तो हमारा कैपिटल सेफ भी बचा था कुल मिला के। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, सबका विजन है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में ऑर्डिनेंस फैलाते हुए और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कैपिटल को सुरक्षित बनाया जाएगा। पुराने भोपाल में बहुत सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं या कम पड़ गई हैं, उनको करने से काम किया जाएगा। तालाब भोजताल हमारे शहर की शान है, आप सब जानते हैं कि ये राजा भोज ने 2050 स्क्वायर किलोमीटर का तालाब बनाया था, जो कालांतर में प्रशंसा ने तोड़ दिया। उसके बाद में 30 स्क्वायर किलोमीटर के तालाब और छोटे और बड़े तालाब हमारे शहर में बचे हैं, इनका संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। ये लाइन है सरकार विजन है कि इसको सुरक्षित और संवर्धित करते हुए इसमें वाटर स्पोर्ट्स से लेकर कई तरह की ऐसी योजना बनाई जाए जिससे ये सेल्फ सस्टेन हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। कनेक्शन है जोड़ने के जोड़े हो गया, एक ही मात्रा लगा लीजिएगा। श्री भगवत सिंह जी ने इसी प्रकार के कुछ सुझाव आलोक सज्जन सिंह को भी दिए, और जब 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न संसद सदस्यों से उनके चुनाव क्षेत्र के सुझाव मांगे थे तो मनोज ने उनको कुछ भोपाल शहर के बारे में इसी प्रकार के प्रस्ताव दिए थे, जिन्होंने अलोक संजय जी ने प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत दी है। लेकिन जैसा मोदी जी क्या होता है, अच्छे प्रस्ताव सब राजकीय नौकरी में डाल दिए जाते हैं, तो वही प्रस्ताव जो अलोक संजय जी ने दिए थे वो भी धरती की टोकरी में डाल दिए गए। मुझे इस बात का दुख है कि जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रस्तावों को ठुकरा लिया उसी प्रकार उनकी काबिलियत को भी अस्वीकार कर दिया। मैं आज इस अवसर पर आपसे यही प्रार्थना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, सरकार किसी की बने लेकिन मेरी प्रतिबद्धता भोपाल शहर के विकास के लिए
जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने प्रस्तुत किया है, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं इसे लागू करने के लिए भोपाल के लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। अब आप अनुरोध है कि जो डॉक्यूमेंट है 5 मिनट में सब खत्म पड़ जाएगा, आप बांट दीजिए। सेवरल के लोग आ जाए फटाफट बांट पीछे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं।